हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता भी होगा, टिकटॉक पे एक साउंड जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि आप इस साउंड पे इस तरह के नेम आर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ इस तरह के जो भी नेम आर्ट वीडियो बना रहे हैं उनके वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। यदि आप भी बनाते हैं तो आपके वीडियो यहाँ पे वायरल होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक गर्ल वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोग को किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आई डू फेड आउट ऑफ कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल करना है। इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। कलर की पे यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, इसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो सिंपल सबसे पहले मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और आपको जो भी नाम लिखना है तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं आता हूँ 0.3 या फिर 0.5 के आसपास। लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे जिसका भी नाम टाइप करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से टाइप कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे मोहन टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यदि आप इमोजिंग यूज करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इमोजिंग देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं एक इमोजिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सॉरी, इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद ओके करना है। इसके बाद कुछ इस तरह से इसे आपको जूम करना है और इसे हल्का रोटेट करने के बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद डबल ए पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देख सकते हो बहुत सारे फाउंट देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं फाउंट, या फिर यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर काइनमास्टर स्टोर से भी फाउंट को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यदि आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते थे। फिलहाल मैं इसे हमें व्हाइट ही रहने देता हूँ। इसके बाद इस टेक्स्ट को मैं फुल लेयर तक कर देता हूँ। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन में आना है और इसे हमें फेड कर देना है। जैसे आप इंटरव्यू होगा तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फिर से टेक्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करना है और आपको रोटेट कर सही से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं सही से एडजस्ट कर देता हूँ, इस बॉक्स के अंदर में ही रहना चाहिए। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे इन एनिमेशन, और यहाँ पर मैं आता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको स्पीड 0.2 के आसपास कर देना है। तो यहाँ पे वीडियो हमारा एडिट हो चुका है, आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है।